देखो लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हमारे जो कोई भी पदार्थ है या कोई भी मटेरियल जो होता है उसमें चुंबकीय प्रवृत्तियां कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, एक तो डायामैग्नेटिक, ठीक है। डायामैग्नेटिक मतलब वो प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय का मतलब वो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी से दूर धकेलता है, यानी प्रतिकर्षित करता है, वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। यानी उसके अंदर क्या होता है कि जो आपका एस की वैल्यू होती है, जो स्पिन क्वांटम नंबर का ऐड होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। यानी यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मटेरियल के पास नहीं होते हैं, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, इस तरह से कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे की डायरेक्शन में चेंज करके, ठीक है। तो ये होता है डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, अनुचुंबकीय, जिसके अंदर क्या होता है कि आपके जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, ये उस मटेरियल के बिल्कुल अंदर से होके ये बल रेखाएं इसकी इस तरह से जाती है, इस तरह से, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। हाँ ये नई यूनिट है, यही तो मैं बोल रही हूँ कि ये नई यूनिट है हमारी, यूनिट सेकंड। इसके दो चैप्टर हैं, एक तो आपका है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उन्हीं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की, ठीक है, और सेकंड जो चैप्टर है इसका वो अलग है, वो ट्रांजिशन मेटल का नहीं है, वो है सिंपल आपका हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, ठीक है। तो इस यूनिट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का, जो पिछले वाला चैप्टर था उसमें हमने बॉन्डिंग पढ़ी थी कि बंधन किस किस प्रकार का होता है, बॉन्डिंग किस किस तरह की होती है। यहाँ पे सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स की, कौन से जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो जो स्टार्टिंग वाली क्लास थी कल की, उसमें मैंने ये बताया था कि नॉर्मल कोई भी मटेरियल या कॉम्प्लेक्स लेते हैं हम, तो उसमें ये चुंबकीय नेचर जो होता है, मैग्नेटिक नेचर जो होता है, वो किसने टाइप का होता है, तो वो मैंने बताया आपको, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, यानी डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और एक फेरी मैग्नेटिक, ठीक है। इसको आप एक बार देखना। आज वाली क्लास में हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, सेकेंड पॉइंट है ये। पहला जो आपका पॉइंट था वो था टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व के प्रकार क्या क्या होते हैं। दूसरा आपका पॉइंट है कौन सा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी चुंबकीय सहनशीलता। ठीक है, ये क्या होती है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसका खुद का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है, खुद का कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होता है। उसी के साथ अगर हम बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अगर हम लगा दें, तो उसका जो रेशियो होता है वो होता है क्या इसका, उस मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है इसको हम म्यू से भी लिख सकते हैं और काई से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को किससे लिखा जाता है, म्यू से या काई से लिखा जाता है, ठीक है। ये क्या है, म्यू और ये काई, आप इसे को किसी से भी लिख सकते हैं। डेफिनेशन क्या होती है इसकी, कि अगर हमारा इसे लिखा जाता है किससे, बी बाई एच से, ठीक है। बी क्या है, किसी भी मटेरियल का खुद का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये एच क्या है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी है ये एच जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ये क्या है, इंटेंसिटी होती है। बी बाई एच का जो रेशियो है वो हमारा क्या होता है, म्यू होता है, या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या चुंबकीय सहनशीलता होती है। चुंबकीय सहनशीलता का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको ये बताया कि अनुचुंबकीय जो भी पदार्थ होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं, ये कोई भी सब्सटेंस रखा, ये कहाँ पे रखा हमने, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा, ठीक है। तो अनुचुंबकीय जो भी पदार्थ है वो क्या करते हैं, इन चुंबकीय बल रेखाओं को जो कि नॉर्थ और साउथ पोल से गुजरती है वो इसके अंदर से होके जाती है इस तरह से, ठीक है। तो यानी ये क्या है,
ये मॉलिक्यूल कितनी चुंबकीय बल रेखाओं को सहन कर सकता है, ठीक है, उसको टॉलरेट कर सकता है, वो क्या होती है, उसकी ससेप्टिबिलिटी होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। अब ये डिपेंड किस पे करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं वो कितना है, और मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसके रेशो को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या चुंबकीय सहनशीलता हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसको जब भी हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम किस तरह से करते हैं कि बी और एच के अंदर क्या रिलेशन होता है, हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमेशा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को जब भी हमें शो करना होता है तो हम बी और एच के रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। तो बी और एच का रिलेशन क्या होता है, ये होता है ये, ठीक है, कि ये जो बी है मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी प्लस 4 पाई इंटू आई। ये आई यहाँ पे क्या है, आई जो होता है वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, क्या होता है, ये प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र होता है, आई इंड्यूस्ड प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये क्या होता है, बी और एच के अंदर रिलेशन होता है, ठीक है। अब क्या करें हम, कि अगर हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है, म्यू अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं किससे, एच से, या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बी बाई एच, पूरी इक्वेशन को हमें डिवाइड करना है किससे, एच से, तो ये क्या आएगा, आई बाई एच, ठीक है। ये अब ये जो बी बाई एच है ये हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, या जिसे हम किससे लिखते हैं, म्यू से लिखते हैं, ठीक है। एच बाई एच क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू पाई। अब ये जो आई बाई एच है इसको हम लिखते हैं के से, ठीक है, और ये के क्या होती है, ये होती है परमेबिलिटी, परमेबिलिटी, या जिसे हम क्या कहते हैं, पारगम्यता, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिख लेती हूँ थोड़ा, ये बी बाई एच क्या होता है, म्यू, ठीक है, एच बाई एच हो गया 1, ये हो गया 4 पाई, और ये जो आई बाई एच है ये होता है हमारा के, ठीक है, और के यहाँ पे क्या होता है, परमिबिलिटी, परमिएबिलिटी, या जिसे हम क्या कहते हैं, पारगम्यता, ठीक है, ये चीज होती है। तो हमारा जो रिलेशन बना मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का या चुंबकीय सहनशीलता का, वो क्या होता है, म्यू या काई इक्वल्स टू होता है 1 प्लस 4 पाई इंटू के, ठीक है। ठीक है, अब ये जो के है जिसे मैं बोल रही हूँ परमिबिलिटी है, या जिसे हम पारगम्यता कहते हैं, या फिर इस के को वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी बोला जाता है, ठीक है, यानी आयतन चुंबकीय प्रवृत्ति भी बोला जाता है। अब वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी का मतलब, पारगम्यता का मतलब क्या होता है, कि ये मॉलिक्यूल कितनी बल रेखाओं को अपने में से जाने देता है, ठीक है, वो इसकी होती है पारगम्यता, ठीक है, और कितने तक को ये सहन कर पाता है वो होती है इसकी क्या, सहनशीलता या चुंबकीय ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। अब ये जो म्यू और के की वैल्यूज है इनके बेस पर जो मटेरियल है वो अलग अलग टाइप का होता है। जैसे अगर हम माने कि म्यू की वैल्यू जो है वो के से ज्यादा है, ठीक है, कंडीशन फर्स्ट, ये हमारा रिलेशन है, ठीक है, म्यू इक्वल्स टू क्या है हमारा, 1 प्लस 4 इंटू पाई इंटू के, ठीक है। अगर इसकी कंडीशन बनती है 3, म्यू और के का जो रिलेशन है यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, या ससेप्टिबिलिटी और परमेबिलिटी के बीच में जो रिलेशन होता है उसकी 3 कंडीशंस होती है, ठीक है, क्या होती है, म्यू इक्वल्स टू 1 प्लस 4 पाई के, इसकी 3 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, कि अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा हो के से, ठीक है, सहनशीलता अगर ज्यादा है पारगम्यता से, ठीक है, तो क्या होगा, यानी सहनशीलता उसकी ज्यादा है, परमेबिलिटी सॉरी ससेप्टिबिलिटी जो है वो उस मॉलिक्यूल की ज्यादा है, यानी वो पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है, प्रति चुंबकीय होता है, ठीक है। पारगम्यता का मतलब बताया मैंने कि जितना जितनी बल रेखाएं आपकी उस मॉलिक्यूल में से जाएगी, यानी पारगम्य उसको उसको
पेनिट्रेट करके जितनी ज्यादा निकलेगी वो हमारी के की वैल्यू होती है, ठीक है। और ससेप्टिबिलिटी क्या होती है कि जो खुद के मैग्नेटिक फील्ड में ही रहे वो उसकी ससेप्टिबिलिटी होती है, यानी इंड्यूस जो बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं हम उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो होती है हमारी मैग्नेटिक सहनशीलता या ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। अगर मान लो ये जो पहली कंडीशन है इसमें म्यू की वैल्यू ज़्यादा है के से, यानी ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है, सहनशीलता ज़्यादा है, तो क्या होगा, वो पदार्थ होता है डाया मैग्नेटिक या परती चुंबकीय, ठीक है। ये क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है, या इसे हम क्या कहते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, क्योंकि इसकी क्या है, सहनशीलता या ससेप्टिबिलिटी जो है वो ज्यादा है, ठीक है। यानी ये जो पदार्थ है ये अपने में से चुंबकीय बल रेखाओं को ज्यादा जाने नहीं देगा, यानी पारगम्यता यहाँ पे क्या है, परमिबिलिटी यहाँ पे क्या है, उस मटीरियल की कम है, ठीक है। सेकेंड जो कंडीशन आती है वो क्या होती है इसकी उल्टी, कौन सी, कि अगर हमारे पास K की वैल्यू ज्यादा है म्यू से, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी परमिएबिलिटी ज्यादा है, ससेप्टिबिलिटी कम है, तो यानी उस पदार्थ में से बहुत ज्यादा बल रेखाएं जाएगी, पेनिट्रेट करके जाएगी, तो ये कौन से पदार्थ होते हैं, या तो इसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं या फिर ये फेरोमैग्नेटिक होते हैं, यानी लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, ठीक है। ये कौन से पदार्थ होते हैं जो कि पैरामैग्नेटिक हो, यानी ये क्या है, अनुचुंबकीय या लोह चुंबकीय या फेरोमैग्नेटिक जिसे हम कहते हैं, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं जिनमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी कुछ समय तक उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है, वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे आयरन के ऑक्साइड जो है वो फेरोमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। तीसरा इसमें कंडीशन आता है कि जब म्यू और के लगभग एक जैसे, ये सारी क्वांटिटी एक जैसी सी होती है, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। अगर यहाँ पे थर्ड कंडीशन आती है कि म्यू और के की वैल्यू जो है वो लगभग एक जैसे हो, तो ऐसा कोई एग्जांपल हमें नहीं मिलता है, ये बहुत रेयर कंडीशन होती है जहां पर इन दोनों की वैल्यू लगभग इक्वल आती हो, ठीक है। तो ये हुई हमारी क्या, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या चुंबकीय सहनशीलता क्या चीज होती है, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, जो अपने कंपाउंड्स हैं इन कंपाउंड्स का हमें क्या करना है, मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है, कि हम अगर किसी भी कंपाउंड का मैग्नेटिक बिहेवियर निकालते हैं तो वो किस तरह से निकालते हैं। तो हमें पहले से पता है जो जनरल था हमारा, कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, चुंबकीय प्रवृत्ति शो करता है, और उसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी लिखा था कि जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आती है वो क्या आती है, एन एन प्लस टू का रूट से आती है, यानी यहाँ पे n क्या है, ये नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये हमने पहले देख लिया था, अब लेकिन ये आया कैसे, ठीक है। और अगर हमारे पास ये फॉर्मूला नहीं है तो इसके अलावा और कौन से फॉर्मूले होते हैं जिसे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी भी कॉम्प्लेक्स के बारे में बता सकते हैं। तो आपका जो पहला जो फैक्टर होता है यहाँ पे वो क्या, कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जब भी किसी मॉलिक्यूल की निकालनी है तो वहां पे दो चीजें हम काम में लेते हैं, एक लेते हैं हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और एक लेते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कक्षक क्वांटम संख्या और दूसरा लेते हैं हम स्पिन क्वांटम संख्या, ठीक है। कक्षक क्वांटम संख्या क्या होती है, जिसे हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पिन क्वांटम संख्या क्या होती है, जिसे स्मॉल एस से हम शो करते हैं, ठीक है। इनसे हम क्या करते हैं, LS कपलिंग करते हैं। LS कपलिंग किस तरह से की जाती है, कि जितने भी आपके पास एक पदार्थ है या एक मटेरियल है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, यानी बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स के बहुत सारे ऑर्बिटल्स होंगे, हम उनकी सबकी L की वैल्यू को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, और एक कैपिटल L की फॉर्म में से हम लिखते हैं, ठीक है। दूसरा हम क्या करते हैं कि ये स्पिन क्वांटम नंबर जो है, अलग अलग ऑर्बिटल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनका स्पिन क्वांटम नंबर जो है उसकी वैल्यू अगर जीरो नहीं है तो हम जो वैल्यू है वो लिखेंगे और इसका ऐड कर देंगे, तो ये हमारी वैल्यू होती है कैपिटल एस से, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है किसी मॉलिक्यूल की वो बताते हैं किससे, इस एल एस कपलिंग से, या जिसे क्या बोला जाता है, एल एस युग्मन से, ठीक है। एक तो होता है हमारा मेथड ये,
कि हम क्या करते हैं, एल एस कपलिंग करते हैं या एल एस ह्यूमन करते हैं, और इसके बेस पे बताते हैं कि आपका मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है या नहीं करता है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर होता है स्पिन ओनली मेथड या स्पिन ओनली फॉर्मूला। स्पिन ओनली फॉर्मूला का मतलब है कि हम किसी भी मॉलिक्यूल में अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखनी है तो हम सिर्फ स्पिन वाला पोर्शन काम में लेते हैं, यानी स्पिन क्वांटम नंबर ही काम में लेते हैं, हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर काम में नहीं लेते हैं। यानी यहाँ पर एल एस कपलिंग हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सिर्फ स्पिन की बात करते हैं। और जब भी एल एस कपलिंग होती है तो वहाँ पर क्या होता है, एल एस की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या हो जाती है, एड हो जाती है, और जिसको किससे लिखा जाता है, जे से, कपलिंग कॉन्स्टेंट से लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो निकालनी है वो किससे निकालनी है, स्पिन ओनली फॉर्मूला से निकालनी है, ठीक है। अब स्पिन ओनली फॉर्मूला क्या होता है कि हम उसमें सिर्फ काउंट करेंगे क्या, स्पिन कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। अगर है तो उनके जो स्पिन है, स्पिन की वैल्यू दो ही होती है, प्लस हाफ या माइनस हाफ, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी एस की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, ठीक है। अगर एस की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है तो वहां पे जब भी हमें देखना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है वही म्यू की वैल्यू निकालने का, एन एन प्लस टू का रूट, या फिर हम इसे लिखते हैं एस एस प्लस वन का रूट। एस यहाँ पे क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है, जो हमारा क्या होता है, चक्रण जो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का उस पर बेस्ड होता है, कि चक्रण हमारा या स्पिन जो है वो हमारी दो तरह की होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, एक प्लस हाफ होती है और एक माइनस हाफ होती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इनको इसी तरह से लिखना है, या तो ये क्या होगी, प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ होगी, ठीक है। आपको अच्छा इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो मॉलिक्यूल आपको गिवन है उसके अंदर आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। उसका बैलेंस शेल देखना है, संयोजी कक्षक देखना है, उस संयोजी कक्षकों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है वो चीज देखनी है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके हैं तो वो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके बेस पर इसकी वैल्यू रखनी है एस की। अगर हमारे पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सेम स्पिन के, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू प्लस प्लस हाफ, ठीक है, प्लस हाफ प्लस प्लस हाफ हो जाएगा, यानी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। अगर एस की वैल्यू वन आती है तो इसमें हम वैल्यू पुट करके क्या बता देंगे यहाँ पे, कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आती है, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू यहाँ पर कितनी आती है, वो चीज हम बता सकते हैं। यहाँ पर स्पिन ओनली फॉर्मूला है, यानी यहाँ पर हम सिर्फ स्पिन की बात कर रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उनकी स्पिन कितनी है, और उसके बेस पे हम मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं। लेकिन एल एस कपलिंग के अंदर क्या होता है, हमें दोनों ही चीजें देखनी होती है, कि आप सिर्फ वैलेंस शेल का एक ही ऑर्बिटल ना लेके वैलेंस शेल के सभी ऑर्बिटल लेते हैं, काउंट करते हैं, ठीक है। उनमें हम क्या करते हैं, एल की कैपिटल टोटल जो वैल्यू आती है वो काउंट करते हैं, एस की टोटल जो वैल्यू आती है वो काउंट करते हैं, इन दोनों का हम एडिशन करते हैं, यानी इनकी क्या करते हैं, कपलिंग यानी कपलिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू, जे की वैल्यू निकालते हैं, और उसके बेस पे हम बताते हैं कि जो आपका पदार्थ है उसकी मैग्नेटिक जो मोमेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है कि म्यू जो है ये म्यू जो है ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, ये याद रखना, चुंबकीय आघूर्ण है, ये भी क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है। पहले जो म्यू पढ़ा था वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी थी, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर एस एस प्लस वन प्लस एल एल प्लस वन का रूट, ठीक है, ये होता है कि स्पिन ओनली में सिर्फ हम स्पिन का यूज करते हैं, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं, और जहां पर एल एस कपलिंग होती है वहां पर हम स्पिन और ऑर्बिटल दोनों क्वांटम नंबर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू कहाँ कैसे आएगी, कि हम यूज करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर का भी और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का भी, ठीक है, इन दोनों का हम यूज करते हैं। अब इसको यूज करके हम किस तरह से निकालेंगे, ये हम एग्जाम्पल लेंगे इन सब का, कि हम किस तरह से ये वैल्यू निकालते हैं। तो एग्जाम्पल हम वैसे कल वाली क्लास में ले लेंगे, अभी आपकी ठीक है। P3 का मतलब
पी ऑर्बिटल के तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। इनमें क्या है, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है हमारा पी एक्स, ये है पी वाई और ये पी जेड, ठीक है। अब इनके लिए ये जो एल की वैल्यू होती है, यानी ये जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू क्या होती है, एक की होती है प्लस वन, एक की होती है जीरो और एक की होती है माइनस वन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कैपिटल एल की वैल्यू जब भी हमें निकालनी है तो हम इन तीनों का क्या कर देते हैं, टोटल कर देते हैं। अगर इन तीनों का हम टोटल करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करूं, s की वैल्यू निकालू, तो s की वैल्यू क्या है, स्मॉल s1 प्लस s2 प्लस s3, यानी यहाँ पर स्पिन की जो मान है, ये सारे तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है, सबका जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो क्या है, या तो प्लस हाफ मान लो या माइनस हाफ मान लो, यानी सेम ही डायरेक्शन में है, यानी एक जैसा होगा। तो ये कितने हैं, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, यानी टोटल कितना होगा, ये इस तरह से 3/2। टोटल एस की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 3/2। और टोटल जो कपलिंग होती है जे, जे की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 3/2, ठीक है। ये अब इससे हम निकालते हैं वैल्यू किसकी, म्यू की। आपको टोटल एल की वैल्यू पता है क्या है, जीरो है। एस की वैल्यू पता है क्या है, 3/2 है। इसके अंदर वैल्यू रखो और आपका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ जाती है। लेकिन अगर हमें क्या करना है, सिर्फ स्पिन ओनली फॉर्मूला लगाना है, तो हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू को काउंट नहीं करते हैं, हम सिर्फ स्पिन की वैल्यू देखते हैं। तो स्पिन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3/2 है। तो आप यहाँ पे वैल्यू रखो 3/2, ठीक है। इसको इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिखते हैं, 4s s plus 1 का रूट भी लिखते हैं, ठीक है। यानी कंप्लीट अगर रूट लिखना है तो ये क्या होगा, अच्छा सॉरी, ये 4 आएगा इसमें, है ना, 4s s plus 1 होगा। इसको इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें निकालनी है किसी कॉम्प्लेक्स की, तो हम दो तरह से निकालते हैं, या तो एलएस कपलिंग से निकालते हैं या स्पिन ओनली फॉर्मूला से निकालते हैं। अब हम नेक्स्ट वाली क्लास में क्या है, एग्जांपल लेंगे किसी भी ट्रांजिशन मेटल का। तो ट्रांजिशन मेटल का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता होती है, तो आप उसका जो वैलेंस शेल है वो निकालो, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो निकालो, उसके लिए कैपिटल एस कैपिटल एल की वैल्यू निकालो, और उससे हम मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है।